हमारा दिमाग हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दिमाग ही तो है जो हमें हमारी खूबसूरत यादों से जोड़े रखता है। दिमाग ही है जो हमें कुछ भी हासिल करने में हेल्प करता है। और ये दिमाग ही है जो हमें जमीन से चांद पर और अब तो सूरज पर जाकर अपना कमाल दिखा रहा है। नमस्कार, सेहत मंत्र के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगिता। आज हम बात करेंगे माइंड की, अपने ब्रेन का ध्यान कैसे रखना चाहिए और कैसे इसे हेल्दी रखना चाहिए, ये सब हम आपको बताएंगे आज के इस एपिसोड में। हमारा शरीर किसी भी बड़ी मशीन की तरह काम करता है, जिसमें ना जाने कितने प्रोसेस एक साथ चलते हैं और सब प्रोसेस एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कहीं कोई एक गड़बड़ी हुई और पूरा सर्किट खराब। आपको लगेगा कि आंखों की खराबी हुई तो सिर्फ इन्हीं का इलाज कराने से ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि दिमाग का वो सेंसर जो नजरों के लिए जिम्मेदार हो उसमें कोई खराबी हो। हमारा दिमाग हमारे शरीर का पावर हाउस होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स कनेक्शन का सर्किट बनाते हैं और इस सर्किट की वजह से ही बॉडी का हर एक पार्ट सही तरीके से काम करता है। ये सर्किट सही तरीके से काम करे इसके लिए सबसे जरूरी है इसका हेल्दी होना। क्या आप जानते हैं कि इसको हेल्दी कैसे रखना है? ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप हर रोज मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से ब्रेन की कार्य क्षमता बढ़ती है। मेडिटेशन ब्रेन को शांत रखता है, ब्रेन को एक्टिव रखता है, याददाश्त बढ़ाता है और डिसीजन मेकिंग पावर को भी बेहतर बनाता है। ब्रेन को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने का दूसरा तरीका है हर दिन नियमित रूप से वॉक करें। जब हम चलते हैं तो इससे हमारे शरीर की करीब 80% मसल्स की एक्सरसाइज होती है। इस दौरान हमारे दिमाग में खून और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन भी बढ़ता है, जो कि ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए अच्छा होता है। हमारा लाइफस्टाइल आजकल ऐसा हो गया है कि हमारे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं है। स्ट्रेस इतना ज्यादा है जिससे डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होती है। इसके अलावा हम जंक फूड पर ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे चाइनीज खाना जिसमें अजीनोमोटो की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जो कि हमारे दिमाग के लिए काफी अनहेल्दी होता है। ज्यादा तेल वाला खाना हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो बढ़ता ब्लड प्रेशर दिल और दिमाग दोनों पर असर डालता है। इससे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन आप घबराइए मत, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो आप इन चीजों से बच सकते हैं। अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए आपको अपने खान पान में कुछ खास चीजों का इस्तेमाल करना है। आप बादाम का इस्तेमाल करें। आपने सुना होगा कि दिमाग तेज करने के लिए बादाम सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा आंवला, मखाने, अखरोट, दूध, विटामिन डी, सी और आयरन युक्त खाना खाना चाहिए। वहीं आपको फ्रोजन और पैक्ड खाने से परहेज करना चाहिए। फ्रोजन फूड में प्रिजर्वेटिव और ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जिसका सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। दिमाग को शांत और आराम देने के लिए नींद का पूरा होना भी जरूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद लेने से हमारे दिमाग और शरीर हेल्दी रहते हैं। आपके सोने और जागने का समय निर्धारित होना चाहिए। जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं उनका ब्रेन प्राकृतिक रूप से हेल्दी रहता है और याददाश्त भी अच्छी बनी रहती है। तो अपने माइंड को फ्रेश रखिए, इसका ख्याल रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए और इन बीमारियों को टाटा बाय बाय कीजिए। सेहत मंत्रा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बेटा, इसी मोबाइल पे रोटी डाउनलोड करके खाएगा क्या? पापा, अबे कुछ पढ़ ले। जिस रफ्तार से गाड़ियां भाग रही हैं ना, उसी रफ्तार से तुम्हारे मार्क्स भी गिरेंगे। चलो सो जाओ। रोहन, वो कंस्ट्रक्शन का सामान लाना है, लिखो जरा। मोबाइल पे उसको ईमेल भेजेगा क्या? ये लो, इस पे लिखो। वॉल पुट्टी, पुट्टी व्हाइट सीमेंट,
व्हाइट सीमेंट, ठीक है। इमल्शन, इमल्शन हो गया। जिप्सम बोर्ड, जिप्सम बोर्ड, ठीक है। तू लिख भी रहा है? लिख लिया पापा। इतनी देर से देख रहा हूँ, कम से कम 10 चीजें गिनवा चुका हूँ और तुमने सिर्फ एक लिखी है। अरे सब लिख लिया पापा। दिखा मुझे क्या लिखा है तूने, दिखा। अरे भाई साहब, ये तो हर किसी को पता है, घर बनाने के सारे सामान का एक ही पता है, सकर्णी की हाउसिंग सॉल्यूशंस रेंज, भूमि पूजन से गृह प्रवेश तक। सकर्णी, मजबूती की बात खूबसूरती के साथ।